वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल। इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का हमारा रेसिपी है आलू अंडा टिकिया। चलिए इसे बनाते हैं। ये मेरे बॉयल आलू है, इसे मैंने छील लिया है और इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से कद्दूकस सारे आलू को कर। आप देख सकते हैं मेरे सारे आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता और थोड़ा सा हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने ऑनियन डाला, ये हमने धनिया पत्ता डाला और ये हमने हरी मिर्च डाला। सारे इसे मिक्स कर लेंगे तरीके से। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक डाला, इतने ज़्यादा कुछ नहीं डालेगा। अब ये मेरा इंग्रेडिएंट रेडी है। आप देख सकते हैं इस तरह से दबा दबा के फिर टिकिया तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं अपना नॉर्मल साइज ले रही हूँ। इस तरीके से सबको बना लेंगे, बस दबा देंगे। देख सकते हैं मेरे टिक्के ये सारे बन चुके हैं। अब हम लेंगे अंडा। एक कटोरी लिया, ये एक अंडा लिया। अब इसे तोड़ के मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने लिया तवा, इसमें लिया थोड़ा सा तेल। अब इसमें ये हमारा टिक्की डाल के फ्राई करेंगे इस तरह से। ये लेंगे अंडा, इसमें डालेंगे टिक्की, इस तरह से लपेट लेंगे इस तरह से और इसे फ्राई होने के लिए डाल। इसे फ्राई कर लेंगे इसी तरह से, सारे टिक्की डाल के फ्राई कर लेंगे। ये हमने सारा टिक्की डाल दिया, अब इसे पलट दिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसे बना रहे हैं। आप इस तरह से बनाइए और बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही कम सामान में ये तैयार हो जाते हैं। इसे पलट पलट के अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन, आप देख सकते हैं किस तरह से ये फ्राई हो रहा है। बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें पलट पलट के। अब इसे निकाल लेंगे। ये हमारा हो चुका है फ्राई।
देख सकते हैं इस तरह से सारे निकाल। बनके कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं।